हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप? आई होप आप ठीक होंगे, सेफ होंगे। और आज मैं घर पे ऐसा ही खाली पड़ा हुआ था, कुछ काम धंधे नहीं थे, तो सोचा क्या करूं, बहुत ज़्यादा बोर हो रहा था, तो क्या करूं सोचा था। तो गुनगुन ने मुझे बोला कि क्यों ना दीदी के साथ आज फेक फाइट प्रैंक किया जाए। तो वो प्रैंक हम कैसे क्या करने वाले हैं देखते, एक बार गुनगुन से मैं बात करके डिस्कस करके देखता हूँ, मतलब क्या कैसे उस पर प्रैंक कर सकते। अच्छा, हमको सिखा रही है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और हेल्दी होंगे। तो हम लोग ने सोचा कि हम लोग, मतलब ये मुझे बोलते हैं चिकी भैया कि मैं ना बहुत बोर हो रहा हूँ। मैंने कहा ठीक है, तो फिर हम लोग ने दीदी के ऊपर प्रैंक करते, क्योंकि हम लोगों ने प्रैंक किया ही नहीं है। बस मैंने एक बार किया था, तो वो तो चलो हटा ही दो, वो सीन तो बहुत गंदा हुआ था। तो हमने सोचा क्यों ना हम प्रैंक करें, मतलब चिकी भैया ने कभी ऐसा प्रैंक कभी किया ही नहीं है उन पर, और मैंने भी नहीं किया है। तो हमने सोचा हम फाइट प्रैंक करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि मेरी और चिकी भैया की कभी लड़ाई नहीं होती है, ठीक है? तो हमने सोचा हम लड़ाई का प्रैंक करते हैं। लड़ाई करेंगे तो इनको भी रियल लगेगा, फेक नहीं लगेगा। अगर हम किसी और पे करते हैं तो क्या हमारा ऐसा होता चलता रहता है, पर हमारी लड़ाई नहीं होती है। तो मैंने कहा हम लड़ाई करके फिर प्रैंक करते हैं, तो मजा आएगा करने में। तो मैंने और इन्होंने सोचा कि वो अभी अंदर है, तो हमने सोचा कि हम वहां जाके, उनके पास जाके पहले कैमरा चेयर सेट करेंगे। जैसे ही हमें टाइम मिलेगा तो कैमरा सेट करने, क्योंकि वो उठ नहीं रही है रूम से, उन्हें किसी बहाने से वहां से निकालना पड़ेगा। फिर हम वहां पे कैमरा सेट करके देन फिर हम लोग अपना प्रैंक स्टार्ट करेंगे। फिर प्रैंक करने के बाद आप लोग देखना कैसे क्या हुआ, कौन पिटता है आज, कौन डांट खाता है, बहुत मजा आने वाला है। तो आप लोग ब्लॉग को एंड तक देखना, जो भी हम करेंगे सब देखना, और अपनी थोड़ी सी अगर कुछ भी हो तो अपना राय भी हम लोगों को देख के जाना, ठीक है? बाकी आप लोग ब्लॉग देखना। आपको कुछ बोलना है तो बोलो। हाँ, मेरे को ये बोलना था कि फिर उसको हम बाहर कैसे बुलाएंगे। बाहर हम पता कैसे बुलाएंगे, मैं यहाँ पे लेटूंगी अभी, ठीक है? मैं यहाँ पे अपना फोन चलाऊंगी, मैं रील्स स्क्रॉल करूंगी, तो मैं उनको बोलूंगी कि दीदी आओ जरा, ये कुछ चीज डिस्कस करनी है, ठीक है? क्योंकि मैं और वो तो वैसे भी करते रहते हैं ना, कुछ कपड़ों को लेके या कुछ भी लेके, तो कुछ ज्वेलरी को लेके हम लोग कर लेंगे। जब जितनी देर में डिस्कस करूंगी ना, उतनी देर में तुम अंदर जाके कैमरा सेट कर, ठीक है? ठीक है, जब तक तू उससे डिस्कस करके, मैं फटाफट 2 मिनट में अंदर जाके कैमरा सेट कर दूंगा। और उसको बिल्कुल डाउट नहीं होना चाहिए कि मतलब ऐसा कुछ हम उस पर प्रैंक कर रहे हैं। चुपचाप लेट जाते हैं। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, चलेगा। तू यहाँ पे लेट जा। और वो अंदर लेट ही है ना, अंदर लेट के हेडफोन्स लगा के पता नहीं मूवी देख रही है, पता नहीं क्या। गाइस, मैं आपको दिखाता हूँ उसकी दीदी बेडरूम में क्या कर रही है। एक मिनट, हाँ ये देखो गाइस, उसकी दीदी ना कान में हेडफोन लगा के कुछ तो मूवीज वगैरह देख रही है। तो गुनगुन कैसे भी करके उसको मतलब इधर बुलाएगी, 2 मिनट के लिए बुलाएगी किसी बहाने से। उसी टाइम में मैं फटाक से जाके बेडरूम में कहीं पे तो एक अच्छी जगह देख के कैमरा फिट कर दूंगा। और उसके बाद जो मज़ा आने वाला है, आप तो वो लास्ट तक जुड़े रहिए, आप देखिए आपको भी बहुत मज़ा आने वाला है। तो गाइज, मैं आपको दिखाता हूँ गुनगुन ने उसको बाहर बुलाया है, और बाहर वो क्या कर रही है। एक सेकेंड, मैं चुपके से जाता हूँ। ये देखो गाइस, गुनगुन उससे कुछ तो बाहर उसको बातों में उलझा के रखा है। तब तक मैं कैमरा फिट कर देता हूँ, और मैंने डिसाइड किया है कि ये जगह पे मुझे कैमरा फिट करना है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। क्या क्या बोल रही थी तेरी बहन? कुछ नहीं बोल रही थी, उसने वीडियो बनाई है ना, तो वो एडिट कर रही है, तो वो दिखा रही थी कि दीदी कैसी है, अच्छी लग रही है? देख ली, अच्छी लगी। फोन में क्या देख रही है? अरे मैं मूवी देख रही थी, मूवी देखते देखते उसने बुला लिया, इतनी सही मूवी का मेरा चल रहा था। अच्छा अच्छा, कौन सी मूवी देख रही है ऐसा जो इतना इंटरेस्टेड है? तो मूवी है, मूवी में मूवी में चिल्लाते रहते हो पूरे दिन भाई, एक दूसरे पे, कभी तुम कभी तुम कभी मैं कभी तुम। अरे नहीं रे, चिल्ला विल्ला नहीं रही, मैं उसको बता रही मूवी देख रही थी, पूछा कौन सी देख रही है। और तू सच सच के किधर गई थी? अच्छी की भी मैं किधर भी नहीं गई, मैंने अभी एक वीडियो चुप बनाई है ना, हाँ। वो एडिट करी है, वो दिखा रही थी अपनी दीदी को। अच्छा, अच्छी हुई है, मैंने देखी, अच्छी की है उसने। लेकिन वो एडिट करके करेगी क्या वो वीडियो? करेगी क्या? एडिट करके करेगी, हाँ, मतलब क्या? मतलब एडिट करके तू तो फोन में ही रखती है ना, तू तो कहीं फोन बोला, मैं फोन में रखती हूँ, यूट्यूब पे डाली नहीं है, मुश्किल से एक वीडियो देखता हूँ इसका। तो डालती तो ना, एटलीस्ट एक तो डालती है, कोई भी तो वो भी नहीं डालता, मैं तो डालती तो हूँ कम से कम। लेकिन तू बोल रही है तू दिन में इतना जो वीडियोस बनाती है, मेरे को तो कुछ देखने को नहीं मिलता तेरे वीडियोस। अगर मैं कुछ स्टोरी पे लगाती हूँ इंस्टा की, कुछ यूट्यूब पे डालती हूँ, एक वीडियो सारी जगह पे थोड़ी डालूंगी। तो एक वीडियो तू डाल सकती है हर जगह पे? नहीं, मेरे को नहीं डालना, मैं अलग अलग डालती हूँ वीडियो, मुझे नहीं डालना एक वीडियो हर जगह पे, क्यों डालूं मैं? अरे अच्छा रहता है, कहीं भी डालना अच्छा है ना, अगर तूने मेहनत की है उस चीज पे। मैं अगर 6 वीडियो बना रही हूँ, 6 वीडियो इसका यही है। तुम्हें पता है अभी कुछ दिन पहले इसको मैंने ये भी बोला कि तेरा कॉलेज खत्म हो गया है।
जॉब देखना स्टार्ट कर। मैंने इसको एक लिंक भी भेजा था, बोला था अप्लाई कर दे, क्या पता सामने से देखो कॉलेज है, लेकिन इसको वो भी नहीं करना है। तो मैंने जॉब के लिए बात कर तो रखी है। कहाँ बात करके, कॉलेज खत्म हो गया, इसका 6 महीना हो गया, 6 महीने से बैठी है, बैठे बैठे बस मतलब पूरा दिन पड़े रहती है। मजाक कर रहा है, कुछ मजाक नहीं कर रही है। अरे मजाक, उस दिन भी ऐसे ही बोल रहे थे, तब भी मैंने तुम्हें बोला था कि दीदी समझा लो, तब भी तुमने बोला कि मैं। अरे छोटी है उसको, मतलब उसको अच्छे के लिए एटलीस्ट कुछ नहीं। तुम्हें दिखा रहा है, तूने फॉर्म नहीं भरा? करा तो था वो लिंक ओपन है उसमें। अरे नहीं, उस दिन मेरे को बोला कि नहीं चिकी भैया मैं बाद में करती हूँ। हाँ तो फिर लिंक कहाँ ओपन हो रही, रात को किया ना? फिर मैंने तुम्हें बोला था ना लिंक नहीं ओपन हो रही, तो तुमने क्या बोला? अच्छा ठीक है, फिर दूसरी जगह फिर अप्लाई करना, एक जगह अप्लाई करके बैठ गई। और इसको मैंने जिम के लिए भी बोला था कि एटलीस्ट जिम लगा ले, घर पे बैठे बैठे कुछ तो कर, घर पे ही पड़ी रहती है, पूरा दिन फोन चलाती है। मेरे को नहीं लगानी जिम, देख रही कैसे बात कर रही है। मैं इसको अच्छे के लिए बोलता हूँ, तू भी चुप हो जा। मैं, तूने क्यों बोला उसको? अरे उसके अच्छे के लिए बोलते हैं, एटलीस्ट किधर तो एक्टिव रहे, जिस चीज में वो एफर्ट्स डाल रही है वो चीज कहीं डालेगी करेगी, तब तो उसका उसको बेनिफिट मिलेगा। कोई बात नहीं, उसकी मर्जी में, उसकी जिंदगी है, तू क्यों बोल रहा? ठीक है, मेरा काम है बोलना, बाकी जवाब दे रही है तो कैसा लग रहा है? मत बोलो मेरे को, उल्टा जवाब। ट्राई कर रही है बट उसका कुछ तो हो ही नहीं रहा है ना। तो नहीं उसकी मर्जी, मैं बस उसके भलाई के लिए बोल रहा था कि एटलीस्ट कुछ तो कर लाइफ में, ऐसा पूरा दिन पड़े रहने से क्या होगा। बट नहीं कर रहा है, की बातें ना सुनाई नहीं देती। तुम मेरे को भी मत बोलो, तुम भी ठीक हो? क्या बोलो, क्या उसको बोलो थप्पड़ मार दूंगी खींच के? ठीक है, बोलो ठीक है। अभी बोला नहीं उसको भी, मैंने नहीं बोला तुमने। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग के वजह। अरे मैं उसके मुंह लगता भी नहीं है, मैं तो बस उसको उसके भले के लिए उसको कुछ एडवाइस दे रहा था। मुझे नहीं चाहिए एडवाइस, मुझे किसी की एडवाइस नहीं चाहिए। ठीक है, चुप रह तू, मुझे नहीं चाहिए एडवाइस। मैं बोल रहा हूँ चुप रह, नहीं चाहिए। आज के बाद मेरे को इसको कुछ बोलना ही नहीं, इसके मुंह ही नहीं लगना, इतनी बदतमीजी तो लगने की जरूरत। गजब बेइज्जती है, देख रही है इसने मेरे को मारा है छोटी, तेरी हिम्मत कैसे हुई? अरे क्या है तुम, तेरा हाथ तू काट के फेंक दूंगा मैं, ज्यादा ये करेगी तो। ऐसे नहीं बात है, अरे वो छोटी होकर मेरे को मार रही है, कैसे देख रही है? बोलना ठीक है, वो ऐसे देख के हाथ उठा रही है, पिलो फेंक के मार रही है मेरे को। रोहित तू चुप हो जा। तो मैं तो चुप ही हूँ, बट उसने मेरे को ऐसा क्यों पिलो फेंक के क्यों मार रही है उसे? मेरे को नहीं चाहिए एडवाइस। अरे मेरे को नहीं चाहिए, ये बदतमीजी कहाँ से सीख रही है भाई तू? पता नहीं कहाँ से सीख रही, पर मेरे को एडवाइस नहीं चाहिए किसी। अरे यार हद है, ठीक है मेरे को एडवाइस ही नहीं देना है, तुम लोग जाओ, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। रोहित मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। ए गाइस, प्रैंक हो गया इसके साथ, प्रैंक तेरे साथ हम प्रैंक कर रहे थे, जो हम कभी नहीं करते हम। हाँ जो हम दोनों कभी फाइट करते हैं क्या? क्या पागल, हम तो तेरे साथ प्रैंक कर रहे थे और इस प्रैंक में तू फंस गई है। अब मेरा भी प्रैंक देखो। अरे चिकने चिकने मेरे को पिलो, चिकने। अरे इसको क्या हो गया? आप बताओ आपको हम लोगों का प्रैंक कैसा लगा? इसको हम लोगों ने कितना बड़ा मामू बनाया, कैमरा का कैमरा वो कपट के पीछे है। यो तेरे साथ बहुत बड़ा प्रैंक हो गया। हमारा प्रैंक यहाँ पे खत्म होता है, हम लोगों को बहुत मजा आया प्रैंक करने में। मैं तो बहुत बार, मेरे को सच में बता रही हूँ, सच्ची मेरे को इतनी हंसी आ रही थी ना, बट मैं अपनी हंसी को कंट्रोल कर रही थी। मैंने क्या कर दी, हल्का सा भी पता चल गया ना मैं प्रैंक कर रही हूँ, तब तो हम और पिटते कि ये कैसा प्रैंक है। बहुत ही बकवास नहीं, बहुत अच्छा, देखो बहुत अच्छे से हमने प्रैंक किया। ऐसा प्रैंक तो जिंदगी में सोच भी नहीं सकती कि हम तेरे साथ ऐसा प्रैंक करेंगे। रहने दो, क्या रहने दो, फाइट प्रैंक। सच बताना तुम्हें फाइट प्रैंक का लगा था कि प्रैंक हो रहा है? वही ना,
हम लोगों ने इतना हंसी कंट्रोल किया, इतना हंसी कंट्रोल किया, अभी क्या बोलू, इतना तो हमने कभी कुछ किया नहीं है। ऐसे हम लोग लड़ते नहीं है ना, तो इसलिए हंसी आ रही थी कि भाई हम लड़ क्यों रहे हैं फालतू। गाइस बहुत बकवास प्रैंक था ये, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। नहीं गाइस, आप लोग कमेंट करके बताना कि आप लोगों को ये प्रैंक कैसा लगा। हमें तो बहुत अच्छा लगा, हमने बहुत इंजॉय भी किया। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो पे कमेंट करना और इस वीडियो को शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के बाय बाय, टेक केयर, लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। ओके, बाय बाय।